दीदी हंस गई ना बुरी तरह से, अब अगली बार से आप अपना पर्स कभी नहीं भूलेंगे। चलिए कितने पैसे देने हैं? नहीं वो पे हो गया। कहाँ से? अरे कल वो जो आदमी मिला था ना मुझे, वो पागल, वो आज यहाँ रेस्टोरेंट में भी था, उसी ने पे कर दिया। ओ अच्छा, तो मतलब कल वो आपका पर्स लेकर चला गया था और आज आप अपना पर्स भूल गए। दीदी कहीं आप चुप कर, चलो चलिए। पापा जी आप अकेले कैसे खेल लेते हैं? उधर से चाल चली तो आपको पता है, अब इधर से चाल चलेंगे वो भी आपको पता होगा। अरे बेटा यही बात तो खेल को और मुश्किल और इंटरेस्टिंग बना देती है, जब दोनों तरफ की चालों का पता हो ना तो दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। मतलब? बेटा दुनिया में हजारों बातें हैं जिनका मतलब तुझे समझ में नहीं आता, तो इसे भी रहने दे। जोर, ये शर्ट मैंने अलमारी में धोके रखी थी, आपने फिर से लॉन्ड्री बैग में क्यों उठा ली? हाँ मैडम ये मेरे हाथ से फर्श पे गिर गई। अब फर्श पे गिर गई तो तुरंत गंदी हो गई क्या? मैं इसे फिर से धोऊं? इसमें पूछने की क्या बात? कर्नल साहब क्या आपने हमें ऑर्डरली समझ के रखा है जो दिन रात आपके कपड़े ही धोते रहे? अब मैडम कपड़े गंदे होंगे तो धुलेंगे ही ना। पर पापा जी शर्ट गंदी कहाँ हुई है? वही तो, अलमारी से साफ सुथरे फर्श पर ऐसी गिरी हुई शर्ट तुरंत गंदी नहीं हो जाती, या आप कहीं के महाराजा तो नहीं? अरे मैडम आप धौंस क्यों जमा रही हैं? आपको नहीं धोने, ना धोइए, किट्टू धो लेगी। जी नहीं किट्टू भी नहीं धोएगी, मैंने उसे मना करके रखा है। आपने पूरे घर को मेरे खिलाफ भड़का दिया। जा बेटा तू धो देना। मैं बिल्कुल नहीं पापा जी। ये नहीं आप धोकर देखिए। ठीक है मैं खुद ही धो लूंगा। रिक्शा। एक्चुअली किट्टू थोड़ी देर रुक जाते हैं, रूप का स्कूल भी अभी आधे घंटे में छूट जाएगा। ओ हाँ तो वापस आने से अच्छा रुक ही जाते। भैया हेलो। अरे यार तू बड़ी अजीब है, अब मिलने आई थी तो मिलके जाती ना, तुझे क्या लगा मैं क्लाइंट से शादी करने गया था? कल मीटिंग खत्म हुई और घर आ गया। भैया आप उनका मुझसे शिकायत कर रहे? मुझे आपसे शिकायत करनी चाहिए, पूरे दो घंटे वेट किया मैंने घर पे। अरे तू ढाई घंटे भी तो वेट कर सकती थी ना, ऐसी बहन है तू। बहन तो मैं बहुत अच्छी हूँ और रुक भी जाती, पर वो क्या है श्रद्धा दीदी एक प्रॉब्लम में फंस गई थी। ओहो अब मुझे समझ में आया मम्मी तेरी श्रद्धा दीदी से इतनी इरिटेटेड क्यों होती है। भैया आप तो जानते ही हो मम्मी तो वैसी ही है। खैर अब ऐसा है कि मैं तो आने वाली हूँ, आपको मिलना है तो आपको आना पड़ेगा मेरे घर पे मुझसे मिलने। और वैसे भी कल रक्षाबंधन है, वो तो याद है ना, क्या वो भी भूल गए? इसलिए पहले मैं आपको राखी बांधूंगी, उसके बाद मैं आपसे बहुत लड़ाई करूंगी। डन, कल होगी भाई बहन की जंग, देखना ना भूले रक्षाबंधन का स्पेशल एपिसोड। बाय भैया भी ना। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरी वजह से तुम दोनों भाई बहन मिल ही नहीं पा रहे हो, कांटा बन के रह गई हूँ मैं तुम दोनों के बीच। डन ऐसा क्यों सोचते हैं आप? ठीक ही तो कह रही, अब तो तुम्हारे भाई या तो मुझ पे चिढ़ेंगे या तो फिर तुम पर। दीदी ऐसा कुछ नहीं है, भैया को कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता। और मेरा और भैया का कैसा रिश्ता बता, जैसे आपका और आनंद का? हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते, इसलिए कभी एक दूसरे से शिकायत नहीं होती। और वैसे भी कल तो रक्षाबंधन है, राखी के दिन कहाँ जाएंगे? अब दीदी एक काम करते हैं, ध्रुव का स्कूल खत्म होने में अभी टाइम है ना, तो पास में ना राखी की मार्केट है, वहां से राखी की शॉपिंग कर लेते हैं। हाँ ये अच्छा आइडिया है, लेकिन पैसे तुम्हें ही उधार देने पड़ेंगे। क्यों? पापा आपने बुलाया मुझे? पता नहीं यार। अरे पता नहीं क्या? ध्रुव की फीस के बारे में बात करनी थी आपको। हाँ हाँ अगर आज के बाद आप मेरे कपड़े को हाथ भी नहीं लगाएंगी। ओके ले बेटा ये धो देना। यार तेरी मम्मी ने मेरा मूड खराब कर दिया, बाद में बात करेंगे।
जोर बाद में नहीं अभी। चला बैठ। जी बाबा। देख बेटा, तू तो जानता ही है आजकल खर्चे बहुत ज्यादा हो गए। तेरी मम्मी ने अपनी हड्डी तोड़वाई है, टूटू की मम्मी के पैसे भी वापस करने, केस में भी बहुत पैसे लगेंगे, तो ये सब अकेला आनंद तो नहीं कर सकता ना। आप ठीक कह रहे हैं पापा, आनंद भाई अकेले कब तक संभालेंगे। इसीलिए तुम्हारे पापा कह रहे थे कि अगर हम सब मिल बांट कर ये खर्चा करते हैं तो अकेले आनंद पर बोझ नहीं होगा। बाकी सब तो हम देख लेंगे, बस तू ध्रुव की स्कूल की फीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। हाँ हाँ पापा, क्यों नहीं, ध्रुव के स्कूल की फीस मैं दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही बात करनी थी। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे राखी वाले भैया, एक एक मिनट जरा मैडम। अरे नीचे वो देखिए। हाँ हाँ वो भी है, ये भी अच्छी है। हाँ भैया, और सारी दे दीजिए। सस्ते में मिल गई ना। क्या हुआ दीदी, किसका फोन है? बॉबी काट लीजिए दीदी। ले लीजिए मैम। हाँ चलिए दीदी। ये फोन करना बंद नहीं करेगा क्या? ठीक है उठा लीजिए, सुन लेते हैं आखिरी बार वो क्या कहना चाहते हैं। दीदी ऐसी कोई बात मत कीजिएगा जिससे वो बहस पे उतर पड़े। हेलो, तुम ध्रुव की फीस भरोगे हर महीने? तुम्हें पता भी उसकी फीस कितनी है? अरे हाँ करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। जानू पापा ठीक ही तो कह रहे हैं, बेचारे आनंद भाई कब तक अकेले करते रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबको बांटनी पड़ेगी। ध्रुव और शतादी के लिए थोड़ा आनंद भाई करेंगे, थोड़ा मैं करूंगा और थोड़ा पापा, ऐसे ही तो चलेगा सब। अच्छा तुम स्कूल में मैथ्स में फेल होते थे क्या? तुम्हें इतना आसान सा हिसाब समझ में नहीं आता है? कैसा हिसाब? देखो आनंद भैया देंगे अपने हिस्से का, तुम दोगे अपने हिस्से का, और पापा जी वो तो तुम्हारे बिजनेस से लेके देंगे ना। पापा आशीष भाई के बिजनेस से नहीं, अपने बिजनेस से पैसे देंगे, और मत भूलिए वो बिजनेस पापा का है। हाँ तो पापा जी देना अपने बिजनेस से, आशीष से क्यों मांग रहे हैं? तो जया तुम क्या कहना चाहती हो? देखो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसी बात का तो रोना है आशीष, कि तुम्हें कभी कुछ समझ में आता ही नहीं है। अरे तुम कब तक दोगे ध्रुव की फीस? अपने बारे में ना सही तो कम से कम मेरे बारे में सोचा हो। कम ऑन भाभी, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? ध्रुव की फीस ही कितनी है? तू बीच में मत परेशान। क्यों ना बढ़ू बीच में, घर का मामला है और आशीष भाई के कान भर रहे हो आप। मैं कान? देख लो अब ये वैल्यू है मेरी इस घर में, अब ये भी मुझ पे चिल्लाने लगा। इससे तो अच्छा है कि मुझे इस घर से निकाल दो, मैं इस घर की बहू हूँ कि काम वाली। काम वाली कहाँ से बीच में आ गई, आप काम भी करते हो? आशीष इसे समझा लो। हाँ भाई प्लीज अभी जाना प्लीज, कान मत भरना। मत खींचना आशीष, मैं कह देती हूँ जितने पैसे हर महीने ध्रुव के फीस में दोगे ना उतने ही पैसे हर महीने मेरे अकाउंट में डालोगे, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।
श्रद्धा, ये क्या नोटिस भेजा है तुमने? तुम डिवोर्स चाहती हो? अरे एक बार मुझसे बात तो की होती तुमने। तुमसे बात करने को रह क्या गया है? श्रद्धा तुम पागल हो गई हो क्या? इन सब का असर हमारे बेटे ध्रुव पर क्या होगा तुमने कभी सोचा है? ध्रुव की चिंता तुम मत कर, तुम मर चुके हो बॉबी, ध्रुव के लिए भी और मेरे लिए भी। देखो श्रद्धा, मुझे तुम्हारा ये टोन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तुम अपने पापा और भैया की बातों में बिल्कुल मत आ। अरे ये मामला हम आपस में सुलझा सकते हैं, तुम बस वो नोटिस वापस ले लो बस। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है बॉबी, सुन, मैं फैसला कर चुकी हूँ, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। जस्ट शट अप, शट अप एंड लिसन टू मी। अगर मैं अपनी वाली पर आ गया ना, कोर्ट में तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा, समझी तुम? वैसे भी तुमने मेरी कौन सी इज्जत बचा के रखी? और सुनो, तुम अपनी आवाज नीचे करके बात कर, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली, समझे? हेलो, फिर चाहते क्या हो तुम? दीदी जब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिला? अरे चैन से जीने क्यों नहीं देते तुम हमें? किट्टू भाभी नमस्ते। मैं तुम्हारी कोई भाभी वाभी नहीं, और हाँ यहाँ दोबारा फोन मत करना वरना पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देंगे हम। आप पुलिस के पास जाएंगे? किट्टू भाभी अपनी पत्नी से बात करना जुर्म है क्या? पत्नी बोलने से पहले ये सोच लो कि पति होने का काम किया ही क्या तुमने अब तक? तुम्हें तो फोन करने से पहले शर्म आनी चाहिए। पर बॉबी तुम्हें क्या पता शर्म क्या होती है? और देखो दोबारा और आखिरी बार कह रही, यहां फोन मत करना, दोबारा फोन करने की हिम्मत तक नहीं करेगा ये इंसान। किट्टू लेकिन अगर वो कहीं यहाँ आसपास है तो चुप कर स्कूल। सारे बच्चे निकल गए, खूब नजर नहीं आ रहा। जाइए मत दीदी, तुमको कुछ नहीं होगा। ठीक है ना? इसको बहुत अच्छी है। मेरे टीचर ने क्या कहा बताओ? मेरे टीचर ने कहा कि ध्रुव इज अ नाइस बॉय। मेरे दो लड़के फ्रेंड्स भी बन गए, विशाल और करण। वेरी गुड ध्रुव, अब घर के लिए भी कुछ बाकी रखोगे या सब कुछ यहीं पर बोल दोगे? नाना नानी से भी कुछ कहोगे ना? चलो हाथ पकड़ो। मेहरबान कदरदान, ये देखिए राखी। कल राखी के शुभ अवसर पे हमारी बहना, हमारी गहना, हमारे हाथों पे ये राखियां बांधेगी। ईशान, राखी का पैकेट यू खोल दिया क्या? ईशान सारा सरप्राइज खत्म कर दिया तूने तो। अरे ये ईशान ने नहीं, ये जो तेरा पति है ना, इसने सारा भांडा फोड़ दिया है। हाँ भाई। अरे देख लिया तो क्या हुआ, कल हमें ही बांधेगी ना ये राखी। आनंद तो क्या हुआ, सरप्राइज नाम की भी कोई चीज होती है। अरे तुम लोगों में कोई सबर नाम की चीज है क्या? नहीं है, थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते थे? लो बस बेटा, सरप्राइज तो गया लेकिन तुम लोग राखी बहुत अच्छी लाई, मैंने देखी है। हाँ इसीलिए दीदी मुझे ये वाली बांधना। हाँ नहीं जी, मैं बांधूंगा। अरे ये राखी को लेके कोई झगड़ा नहीं करेगा। हाँ देखना भी मत। हाँ ये वाली मैं पहनूंगा दीदी, मुझे ये बांधना। ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये भी? हाँ। अच्छा ये स्पेशल राखी आनंद भाई के लिए। हाँ ठीक है भैया, वो आपके स्पेशल भाई हैं, हम दोनों तो कुछ है ही नहीं। आशीष जेलस मत हो, ये भाई के लिए भी नहीं है। अच्छा तो फिर किसके लिए? किसके लिए? ये किट्टू के प्यारे प्यारे भाई कुणाल के लिए। ओह
हाँ कुणाल भी तो है यहाँ इस साल। किट्टू कितने सालों बाद बांधोगी ना उसे राखी? हाँ मम्मी जी, पूरे 3 साल बाद। और मैं पूरे 6 साल बाद। कितना कुछ खोया है मैंने इन 6 सालों में। मोटी, इन 6 सालों में हमने भी तुझे बहुत मिस किया, लेकिन अब रोइयो मत। अगर तूने राखी नहीं बांधी हमें तो क्या हुआ? हमारे भी तो पैसे बच गए ना। क्यों भाइयों? ओ बे शर्मो, कुछ तो शर्म करो यार। तुम्हारे पैसे बचे हैं और तुम खुश हो रहे हो? इस बार तुम मेरी बच्ची को बेहतरीन गिफ्ट दोगे। यस, जी हाँ। और इस बार प्रिंसेस अपने पापा जी की प्रजा के हाथों पे राखियां बांधेगी। राइट, और ये शहंशाह का हुक्म है। आपका हुक्म खराब हो बात। तो मुझे राखी कौन बांधेगा? हाँ भाई, ये तो बिल्कुल सही सवाल किया आपने। सबकी बहन है, सिर्फ हमारी ध्रुव की बहन नहीं है। एक काम करते हैं, तुम्हें बड़ी मामी ने जैसे ये आयरन मैन दिलवाया ना, वैसे हम बड़ी मामी से कहते हैं कि तुम्हारे लिए जल्द से जल्द एक छोटी सी बहना लेकर आए। आनंद भाई समझ रहे हो ना? पर मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। जब सबके नाम की राखी हो गई है, फिर इतनी सारी राखी आप क्या पूरे मोहल्ले के लिए लाए हैं? भूल गई जय, पापा जी हर साल फौज में भी राखियां भेजते। मम्मी जी की ओर से हाँ। लेकिन मम्मी जी आप ये क्यों करती हैं? देख क्या हुआ मम्मा? वो अचानक किसे क्यों चली आई? पता नहीं, अचानक तबीयत ठीक नहीं। अभी ठीक हूँ, मुझे लगा मैं बैठूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, इसलिए सच में। क्या होगा मुझे जब अंदर से कुछ टूटता है ना, तो उसका दर्द आंखों में जागता है। दर्द? कैसा दर्द? वही दर्द जो अभी आपकी आंखों में झांक रहा है। क्या हुआ मम्मा, बताइए मुझे। बेटी हूं मैं आपकी, इतने सालों तक मैंने कभी आपका दुख दर्द जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब तो मुझे बहुत दे दीजिए ना मम्मी। आज राखी है ना, अपने भाई की याद आ गई। भाई? आपके भाई भी हैं? लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा कई बरसों से। सूर से शादी की तो कई रिश्ते एक साथ टूट गए। उनकी नजरों में मैंने बहुत बड़ा पाप किया था,
अपने पति को छोड़कर जोर से शादी की थी ना। आपके पति? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।